समिति श्री आनंद किशोर सर का। आपसे हम अनुरोध करते हैं कि आप स्वागत करें वो खास व्यक्तित्व शिक्षाविद श्री श्री चौधरी जी का। बहुत बहुत स्वागत आपका। और पौधा से जो हरियाली का प्रतीक है, और आग्रह है कि कृपया आसन ग्रहण करेंगे। और अब हम अनुरोध करना चाहेंगे अपने सभी अतिथि वृंद से कि आज मेधा दिवस हम मना रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती को मेधा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पण हेतु हम अनुरोध करना चाहेंगे। मंचासीन सभी अतिथि वृंद से अनुरोध है कि आप पुष्पांजलि अर्पित करें। पुष्प अर्पित किया जा रहा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनके बारे में कहा गया एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। जी हाँ, हमें गौरव है ऐसे व्यक्तित्व पर। सिहरी बिहार की भूमि बचा लो लाज तथागत की कोई, लो मेरा यह राजेंद्र गर्व से बोल उठी जीरा देई। दीपित दिनेंद्र सा भारतीय नभ में राजेंद्र हमारा है, वह कोटि कोटि दीनों आश्रयहीनों का एक सहारा है। पर ओ तपस्विनी अरि गर्वनी, यह सौभाग्य तुम्हारा है, तेरी पुतली बन गई विश्व भर की आंखों का तारा है। जोरदार ताली। और आइए अब अनुरोध करना चाहेंगे दीप प्रज्वलन में भी हम अनुरोध करना चाहेंगे। हम अपने मुख्य अतिथि अपर मुख्य सचिव से, अध्यक्ष महोदय से और सभी अतिथि वृंद से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि कृपया दीप प्रज्वलन कर समारोह का आगाज करने की कृपा करेंगे। दीप प्रज्वलन हेतु अनुरोध अपर मुख्य सचिव से और अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से, साथ ही साथ हमारे बीच शिक्षाविद श्री श्री चौधरी जी बैठे हैं, उनसे भी और सचिव महोदय से हम अनुरोध करते हैं कि इस समारोह का आगाज दीप प्रज्वलन से करने की कृपा करें। जी हाँ, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनकी असाधारण प्रतिभा, उनके स्वभाव का अनोखा माधुर्य, उनके चरित्र की विशालता और अतित्याग के गुण ने शायद उन्हें हमारे सभी नेताओं से अधिक व्यापक और व्यक्तिगत रूप से प्रिय बना दिया है। गांधी जी के निकटतम शिष्यों में उनका वही स्थान है जो ईसा मसीह के निकट सेंट जॉन का था। और कुछ अवश्य और जरूरी बात अपन मुख्य सचिव पूछ रहे हैं हमारे अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से, और उसके बाद दीप प्रज्वलित किया जाएगा और हमारे समारोह का आगाज होगा। राजेंद्र बाबू उन अनेक महापुरुषों में से एक हैं जो अपने आदर्शों के कारण देश के प्यारे बन गए। जी हाँ, लोग उन्हें प्यार से राजेंद्र बाबू या देश रत्न के संबोधन से पुकारने लगे। और आज उनकी जयंती के अवसर पर मेधा दिवस का आयोजन और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह ऐलान किया था कि आज के दिन यानी 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष मेधा दिवस के रूप में, बड़े समारोह के रूप में इस अवसर को मनाया जाए, उनकी जयंती को।